सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत सारे लोग इसी डर के मारे मस्जिद के बाजू में रहना पसंद नहीं करते, डरते हैं कि भाई मस्जिद के बाजू में रहेंगे तो जोर से टेप नहीं बजा सकेंगे, शादी होंगी तो डीजे बजाकर नाच नहीं सकेंगे, गाने नहीं गा सकेंगे, और ये नहीं कर सकेंगे और वो नहीं कर सकेंगे। याद रखना, जो लोग मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं, कयामत के दिन अगर उन्होंने मस्जिद का हक अदा किया होगा तो मस्जिद उन लोगों की सिफारिश करेगी, अल्लाह ये मेरा पड़ोसी था तो दुनिया में मेरा पड़ोसी था तो जन्नत में भी मेरा पड़ोसी बनना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा, जा मैं तेरी सिफारिश को कबूल करता हूँ और जन्नत में भी मैं इसको तेरा पड़ोसी बनाऊंगा। मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, मगर कौन लोग? जो लोग मस्जिद का एहतराम करते हैं, मस्जिद का अदब करते हैं। वरना आमतौर पर आपके मोहल्ले में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं दूसरे मोहल्ले की बात बता रहा हूं। अब आपके यहां मैं आता जाता भी नहीं हूं ज्यादा, तो मुझे नहीं पता है कि यहां क्या क्या होता है। लोग क्या करते हैं, अपनी बकरी ला करके बांध देंगे मस्जिद के खूंटे से, अपनी भैंस ला के बांध देंगे मस्जिद के खूंटे से। अब वो पेशाब कर रही है, पाखाना कर रही है, गंदगी कर रही है, और सफाई कौन करेगा? बांगी करेगा सफाई। मुसलमान माले गांव के मुसलमान इस कदर बेगैरती के साथ मुअज्जिन को पुकारते हैं, करे बंगिया कबे बंगिया इस तरीके से बोलते हैं, कोई बोलता है बांगी, ये हाल है। लेकिन जिसको तू बंगिया और बांगी बोलते हो उसका मर्तबा क्या है अल्लाह की बारगाह में तुम्हें पता है? वो नायबे बिलाल हबशी है, वो नायबे बिलाल हबशी है। और कल कयामत के दिन जब लोग नफसी नफसी करेंगे और लोग पैदल चलेंगे कयामत के दिन, उस वक्त जिसको तुम बंगिया कहते थे हिकारत से, वो मौजिन ऊंटनी पर बैठकर अजान देते हुए कयामत के दिन आएंगे और उनकी गर्दनें फख्र से ऊंची हो जाएगी। लोग कहेंगे ये कौन है, सब नफसी नफसी कहते हैं और ये अजान देते हुए आ रहे हैं। तो उस वक्त लोग कहेंगे नहीं देखते, आगे आगे बिलाल है और पीछे पीछे मस्जिद के मुअज्जिन हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अजान दिया करते थे। तहारत के ढेले मुअज्जिन धोए, बैतुल खला मुअज्जिन धोए, मस्जिद की सफाई मुअज्जिन करे, फिर भी थोड़ा सा तिनका रह जाए तो मेरी कौम कहे बांगी को फुकट के पैसे देते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, सही से सफाई नहीं करता, ये सब चटाई पे धूल है। जुमा के दिन दो रिकत पढ़ने के लिए आते हैं और इमाम और मुअज्जिन पे जुल्म ढाते हैं। इमाम की 50 बुराइयाँ, मुअज्जिन की 150 बुराइयाँ, लेकिन अपनी बुराई किसी को नज़र नहीं आती। 5 मिनट बयान ज़्यादा हो गया तो पूरे हफ्ते भर उस पर जिग-जिग चलती है। एक दिन इमाम फजर में नहीं आया तो पूरे हफ्ते भर उस पर डिस्कस होती है। इमाम को फजर में आना चाहिए, मैं इमाम की झूठी वकालत नहीं कर रहा हूं, फजर में इमाम को क्या सारी दुनिया को आना चाहिए? सारी दुनिया, लेकिन कुछ बशरी तकाजे के तहत अगर कभी नहीं आ सका तो यह तो नहीं कि पूरा मोहल्ला जब उसमें लग जाए, तो 5 मिनट तकरीर ज्यादा हो जाए तो लोग उस पर गुफ्तगू करने लगे। सोचो ये मस्जिद मुअज्जिन और इमाम कौन लोग? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह मस्जिद को सवारी बनाएगा और इमाम के हाथ में उसकी लगाम होगी और मुअज्जिन उसको हांकेगा और जितने मस्जिद का हक अदा करने वाले मुसल्ली है सबको उसके अंदर बिठाया जाएगा और वो इस शान के साथ कयामत के दिन आएंगे। ये दूसरी हदीस पाक है।